नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम है, फरमाया सात हलाक करने वाली चीजों से बचना, अगर इनमें तुम चले गए तो हलाक हो जाओगे। सात चीजें हैं जो तुम्हें हलाक कर देंगे, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, हलाकत का सफर है ये। सात चीजों से बचो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के साथ शरीक ना करना, हलाक हो जाओगे। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जादू ना करना, हलाक हो जाओगे। हलाक, ओ यार जिसे हुजूर फरमा रहे हैं हलाक हो जाए वो बचेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर पर फरमाया जिस शख्स के कत्ल करने को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसे कत्ल ना करना, हलाक हो जाओगे। चौथे नंबर पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूद ना कभी भी खाना, हलाक हो जाओगे। हलाक, बड़ी बड़ी दलीलें दी बैंक वालों ने, बड़ा समझाया तो आदिशा मान गए, मोहतरम मान गए, कहने लगे नहीं जी नहीं वो कारोबार में लगाते हैं, बड़े भोले भाले हैं हम, पता सारा है। और देखो सब कामों के बावजूद मुस्तकिल बैंकों में पैसे उस अकाउंट में रखे हुए हैं जहां से मुस्तकिल सूद आता है। हुजूर ने फरमाया ना करना ये काम, तू कहते मैं सूद पे पैसे लेके कारोबार चमकाऊंगा, तेरे नबी पाक ने तो फरमाया तू हलाक हो जाएगा। तू कहते मैं मेल लगाऊंगा, हुजूर ने तो फरमाया हलाकत है। तू कहते मैं बड़ा कुछ कर जाऊंगा तो हलाकत है। अच्छी तरह समझ ले, असल माल भी जाया हो जाता है उस बंदे का जो सूद का माल मिला लेता है, असल बरकत भी उड़ जाती। और मेरे नबी एक पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवें नंबर पे फरमाया यतीम का माल ना खाना, हलाक हो जाओगे, ना खाना इनका माल, ये करोड़ों हो, अरबों हो या दस रुपए हो, यतीम का पैसा ना खा जाना, हलाक हो जाओगे, हलाकत तुम्हें आ लेगी। और फिर छठे नंबर पर नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कुफर से जहाद हो रहा हो तो कभी पीठ फेर के भागना ना, हलाक हो जाओगे। और सातवें नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेकसूर और बेगुनाह औरत पर तोहमत ना लगाना, बिला वजह बहू के खाते ना कुछ डाल देना, बिला वजह भाभी और बीवी और किसी भी खातून पर कोई इल्जाम, बेकसूर औरत पर बोहतान ना लगाना। मार मार के एक शख्स ने बेहाल कर दिया बीबी को और बाद में पता चला कि जी मुझे शक है तवीज कराती है। क्या आपकी सोच है, मुसलमान अल्लाह को मानने वाला और इस बातों पर इल्जाम लगाएगा, तवीज करा के लाती। बेकसूर औरत पर बोहतान, एक तो बात है उसे मारना और एक ये है कि कोई तकलीफ देना, और एक खाली इतनी बात की कि बोहतान भी ना लगाना उस पर, इल्जाम ना लगाना। यानी तुमने सिर्फ बेकसूर औरत पर इल्जाम ही लगाया तो हुजूर फरमाते हैं हलाक हो जाओगे, ये हलाकत वाला काम है। लेकिन हम बगैर सोचे समझे कह देते हैं उसने कहा है, उसने किया है, ये करती है, ये काम नहीं करे। ये सात वो चीजें हैं जो हलाक कर देंगी।